शिक्षक भर्ती का मुख्य परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले जारी कर दिया गया है। कैसे आप चेक करेंगे, स्टेप टू स्टेप यहाँ पर गाइड करने वाले हैं। जो भी दिशा निर्देश हैं वो भी आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी शिक्षक भर्ती का एग्जाम बहुत पास में है, ऐसे में बीपीएससी ने आपके सिलेबस में जो पीआरटी की वैकेंसी है उसमें साफ साफ कह रखा है कि हम जो है एससीआरटी से जो क्वेश्चन होंगे वो यहां पर बनाएंगे। एससीआरटी आपके सिलेबस में है और आज महा ऑफर चल रहा है। इस संडे को आपको ये सभी जो 23 बुक है हमने स्टार्ट किया था 199 में सेल करना, लेकिन चूंकि एग्जाम बहुत पास में है इस वजह से मात्र 51 रुपए में ये जो 23 बुक का पीडीएफ है कक्षा 1 से 10 तक की सभी एससीआरटी इसमें हमने कवर किया है, पूरा जीएस पोर्शन कवर किया गया है। तो आप इसको मात्र ले सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 94558273 पर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा जहां पर डायरेक्ट बाई करने का जो लिंक है वो दिया गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। आप इस एससीआरटी को ये करीब 190 या 200 पेज के आसपास की है, आप इसको मात्र जो है 6 घंटे के अंदर आराम से पढ़ सकते हैं और जब आप रिवीजन करेंगे तो 3 घंटे आपका रिवीजन करने में लगेगा, मतलब 9 घंटे में आप आराम से पढ़ सकते हैं। जब आप ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे, मतलब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे, तब भी आप अपने मोबाइल फोन में इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट्स में यहाँ पर दे दिया है। तो आप जो है इस महा ऑफर का लाभ उठाइए, 51 रुपये में आपको बुक्स मिल रही है और सब कुछ आप देख सकते हैं कंप्यूटराइज मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा जहां पर डायरेक्ट बाई करने का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट इसको परचेज कर लीजिएगा, तुरंत पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 51 रुपये आपको पेमेंट करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 94558273 पर, या फिर आप व्हाट्सअप करके भी मुझसे जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो महाऑफर का लाभ उठाइए, मात्र 50 लोगों के लिए ऑफर जो है आज के आज ही रखा। जैसा कि आपने एससीआरटी के बारे में समझ लिया, आप जरूर लीजिएगा। आप ट्रेन में बैठते हुए अच्छी तरीके से 5-6 घंटे के अंदर पढ़ भी लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको जो एडमिट कार्ड है उसे चेक करने के लिए बीपीएससी आपको सर्च करना होगा गूगल पर। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने बीपीएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पर आ जाएगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने जो है मेन पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, आपको पासवर्ड फिल करना है, यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड आपको एंटर करना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना। जिस तरीके से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था इससे पहले वाला, सेम यही तरीका अपनाना है और लॉगिन करके आपको जो है आगे बढ़ जाना है। जैसे ही लॉगिन आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से जो पेज होगा आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में ओपन होगा, जहाँ कहीं पर आप देख रहे होंगे। तो सबसे ऊपर आपकी डिटेल्स होगी, यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो पहले प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ पर हट चुका है, और जो आपने एडमिट कार्ड इससे पहले डाउनलोड किया था वही आपका एडमिट कार्ड है, कोई भी एडमिट कार्ड में चेंजिंग यहाँ पर नहीं हुई है। तो पहले आप समझ लीजिए वही आपका मेन एडमिट कार्ड था जो आपने 20 तारीख से पहले पहले डाउनलोड कर लिया था, ऐसा जो है बीपीएससी ने पिछली बार कहा भी था। यहाँ पर अब आपको जो है मात्र सेंटर यहाँ पर अलॉट किया गया है, आप देख सकते हैं 10-91 सेंटर है, ये 24 और 25 में पेपर है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉलेज का नाम है, जो सेंटर कोड उसमें दिया गया था वही सेंटर कोड देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है और यहाँ पर कॉलेज का नाम है। तो कहने का मतलब है कि एडमिट कार्ड आपका वही है, बस उसमें आपको सेंटर कोड देखना है और जब आप लॉगिन करके आएंगे तो उसी सेंटर कोड से कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, कहाँ पर आपका एग्जाम होना है, वो कॉलेज यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं, बस आपको देखने के लिए जो है लॉगिन करना होगा कि आपका सेंटर किस कॉलेज में गया हुआ है और आपको इसी कॉलेज में जाकर के एग्जाम देना होगा। बाकी जो एडमिट कार्ड आपका इससे पहले जारी किया गया था वही आपका एडमिट कार्ड रहेगा, वही आपका वैलिड एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही एडमिट कार्ड है जो इससे पहले 20 तारीख से जिसने डाउनलोड किया था और पीडीएफ बना करके हमने रख लिया था, और यही एडमिट कार्ड प्रिंट करना है। ये जो क्यूआर कोड है ये ज़्यादा मेन है, क्योंकि यही क्यूआर कोड जो है स्कैन किया जाएगा जब आप कॉलेज पहुँचेंगे, तो बायोमेट्रिक के टाइम यही क्यूआर कोड स्कैन किया जाएगा। अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया था 20 तारीख तक तो ये फिर आपकी गलती है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लगातार हमने टेलीग्राम पर बताया कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने हैं। जितने भी बीपीएससी की तरफ से नोटिस आई 2-3-4 सब में लिखा था कि आपको एडमिट कार्ड 20 तारीख तक हर हाल में
में डाउनलोड कर लेना है। और बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि आपको एडमिट कार्ड 20 तारीख तक जरूर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसके बाद एडमिट कार्ड आपका गायब हो जाएगा। इस एडमिट कार्ड में सबसे ऊपर आपकी कुछ डिटेल्स होगी, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए सेंटर कोड लिखा गया 10-91, और यही सेंटर कोड जब आप लॉग इन करके जाएंगे तो 10-91 का मतलब आपको बता दिया जाएगा कि 10-91 जो सेंटर कोड है वो कॉलेज कौन सा, जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा था, तो उसी कॉलेज में आपका एग्जाम होगा। ये आपका मेंस जो है एडमिट कार्ड हो गया, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। हमने पिछली वीडियो में जो कल वाला वीडियो था उसमें बता दिया था कि क्या क्या आपको परीक्षा हॉल में लेकर के जाना होगा, आप कल वाला वीडियो अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर से मिलेंगे। अब सीधे एग्जाम होने के बाद जो उसके आंसर की होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके कट ऑफ की बात करेंगे। आपका सेफ स्कोर में एक बार फिर से बता दूं कि आपका टारगेट होना चाहिए 75+, लेकिन अगर 70+ भी ले आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो आई होप आप सभी को सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, जाते जाते मैं बोल रहा हूँ कि 70+ नंबर आएंगे SCERT से, तो आप SCERT जरूर बाई कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऑफर चल रहा है मात्र 51 रुपये में, आप बाई